हाउ टू मेक चालनी पैटर्न इन साइड हुडनी तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है अरबाज मलिक मैं हूँ एक एफेक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक चालनी पैटर्न को बना सकते हैं हुडनी में तो आपने इस तरीके का पैटर्न लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो सीरीज थी उसके इंट्रो में जरूर देखा होगा और मैंने भी वही देखा तो सबसे पहले लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला ये एक चालनी पैटर्न है जिसे, तो जब इसमें वेव्स ट्रेवल कराते हैं प्लेट्स में तो इस तरीके के पैटर्न बनते हैं तो इस पैटर्न की मदद से हम किस तरीके से एक आर सिमुलेशन कर सकते हैं हुडनी में वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंड तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप में से बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं तो ये पैटर्न दो तरीके से बनाया जा सकता है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हैं यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन काफ़ी सिमिलर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए साइन यहाँ पे साइन फंक्शन का यूज़ किया गया है पाई एन एक्स करके कुछ वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है सेम इसमें कोस फंक्शन का यूज़ किया है इसमें भी वाई एल एन एम का भी यूज़ किया गया है वेरिएबल्स का तो इन दोनों ही क्वेश्चन की हेल्प से हम आज इस पैटर्न को बनाएंगे इसे वैक्स से बनाएंगे इसको वॉप से बनाएंगे दोनों तरीके से जिन जिसको जिससे ईजी लगे उससे काम कर सकता है वो एंड ये क्वेश्चन आई कहाँ से सबसे पहली बात तो ये है तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्रिएट डिजिटल चैलनी पैटर्न तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इन्होंने आर्टिकल में लिख रखी हैं चीज़ें ये देखिए यहाँ से मैंने ये कॉपी की थी इक्वेशन साइन एक्स वाई ए साइन एक्स एन एक्स पाई जो भी है ये तो इस तरीके का कुछ पैटर्न ये बनाएगी इस इस इक्वेशन के मदद से तो इसको बनाएंगे एंड जो सेकंड वन है वो मैंने यहाँ से ली है एक पीडीएफ है ओके तो मैंने यहाँ से ये वाली पैट उठाई है इसमें से आप काफ़ी सारे इफेक्ट्स बना सकते हैं इस तरीके के पैटर्न काफ़ी सारे पैटर्न बना सकते हैं इसकी मदद से इसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे चल के ओके okay, तो सबसे पहले हम वैक्स के थ्रू देखते हैं कैसे बनती है ये तो मैं यहाँ पर एक ग्रिड लेता हूँ ओके okay, इसका साइज टू बाई टू कर देंगे अभी के लिए जस्ट छोटा काफ़ी एंड इसकी एंड कॉलम्स को हंड्रेड बाई हंड्रेड या फिर उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ओके okay? तो मैंने ये किया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली एट्रीब्यूट एटीट्यूटल डाल दूँगा जरा और इसमें ये इक्वेशन जो है इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स हैं एन एम और एक्स वाई एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफ़ाइन कर देंगे इस ये जो हमारा ग्रिड है ये जो हमारी ग्रिड है यहाँ पे आप देख सकते हैं z और x है और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या है x और y है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ y है आप वहाँ पे इसको चेंज करके z कर दीजिए ओके okay? तो इन दोनों वेरिएबल्स को हम इसके थ्रू डिफाइन कर देंगे x और z के ठीक है एंड बाकी बचे हुए वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिखेंगे तो अभी मैं इसको कमेंट बना देता हूँ ओके एंड अब नीचे इसके लिखेंगे इन वेरिएबल्स को हमें क्रिएट करना होगा मैनुअली तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्लोट सबसे पहले एन क्रिएट करेंगे अपना एंड यहाँ पे आ गया सी एच एफ ओके तो ये सबसे पहले हमने वेरिएबल क्रिएट किया एन का इसी को कॉपी करो यहाँ पे एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट ठीक है अभी यहाँ पे ए बी वेरिएबल्स भी हैं हमारे उनको भी क्रिएट करना है हमें सेम ओके okay. तो यहाँ पे क्या करना है इसमें सिंपल एम लिखो यहाँ पे और इसके अंदर भी एम कैपिटल सेम यहाँ पे ए के लिए ए एंड यहाँ पे बी के लिए बी ओके okay? तो ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गए इस पर क्लिक करो यहाँ पे, मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया तो मुझे उसकी वैल्यूज पता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप उसको बाद में और भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली तो मैं यहाँ करता हूँ एक काम करता हूँ यहाँ पे ए को रखता हूँ मैं वन और इसको रखूँगा माइनस वन ओके बी को एन को रखेंगे टू और इसको फोर रखते हैं अभी के लिए जस्ट चेकिंग के लिए ऐसी अब जो एक्स और जेड है हमारा उनको भी हमें क्रिएट करना होगा तो हमें फ्लोट एक्स इज इक्स टू और अब इसको हमें स्लाइडर नहीं देना है हमें इसको सिंपल ये देना है कि जो भी इस ग्रिड का एक्स एक्सिस है वो तो मैं यहाँ दे देता हूँ वी एट द रेट डॉट एक्स तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स की पोजिशन हो गई वो हमने एक्स वेरिएबल को दे दी एंड यहाँ पर अब क्या करेंगे सेम फ्लोट जेड के लिए करेंगे v एट द रेट पी डॉट जेड तो हमने इसको डिफाइन कर दिया इन दोनों वेरिएबल्स को कि इसके अकॉर्डिंगली ग्रेड के एक्स और जेड है ओके इसके बाद नीचे जो सिंपल कोड लिखा है उसको एक हमें एट्रीब्यूट में देना होगा तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐट द रेट यहाँ पर एफ़ एट द रेट ए एम पी एम्पलीट्यूड इजिकल्स टू तो आप सिंपली इसको कॉपी करो यहाँ से ऊपर से पूरा कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी और लास्ट में सेमिकोल अब यहाँ पे देखो ये एरर देगा क्यों क्योंकि यहाँ पे पाई जो है ये पाई डिफाइन ऐसे नहीं होता इसमें और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई इसने कर रखा है जो मैथ के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होते हैं वैसे यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई है और कहाँ पे पाई की वैल्यू हमें अलग से रखनी है तो यहाँ ए के बाद लगाओ मल्टीप्लाई एंड यहाँ साइन के बाद पाई जो लिखा हुआ है इसको पाई पी आई कैपिटल लिखो हुआ हुडनी को पता है कि इसका इसकी वैल्यू क्या होती है पाई की पी आई कैपिटल की तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है अलग से एंड यहाँ पे स्टार लगाओ मल्टीप्लाई के लिए और यहाँ एन के बाद भी स्टार लगाओ ओके okay? अब यहाँ इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे भी स्टार लगाओ अब पाई की वैल्यू फिर से चेंज करो यहाँ पे पी आई मल्टीप्लाई बाई एम इंटू मल्टीप्लाई बाई जेड यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ईजी हैं वैक्स में करना बहुत ईजी है मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है लेकिन इसको ही वॉप में अगर हम करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे हमें नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के वीडियो में एंड यहाँ पे प्लस है ओके okay, गुड यहाँ पे बी है बी वेरिएबल है इसके बाद मल्टीप्लाई लगाओ तभी जाके आके ये ब्लू होगा एक फंक्शन का फंक्शन की तरह बिहेव करेगा इसके बाद पाई जो है उसको भी पी आई लिखो एंड मल्टीप्लाई बाय एम इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगाओ एंड पाई की वैल्यू दोबारा से चेंज करो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप ये कोड जो है वर्क नहीं करेगा आपका एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ तो ये देखो अब ये इसने बता दिया है कि बिल्कुल सही है एंड लेकिन ये विजिबल नहीं हो रहा है हमें इतना ठीक है इसको विजिबल कराने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे एक विजुलाइज नोट लगाओ विज़ुलाइज एट्रीब्यूट और यहाँ पे मैं जाऊँगा विजुलाइजेशन में और एट्रीब्यूट में दे दूँगा अपना एम्प तो इस तरीके से कुछ आ रहा है जो कि सही नहीं है इतना और इसको क्या करेंगे हम ऑटो कर देंगे यहाँ से ओके यूजिंग तो इस तरीके का वो पैटर्न नहीं था जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में आ, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेगा अगर मैं अपनी एम्प को देखूँ तो ये क्या क्रिएट कर रहा है माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी आ रहा है ठीक है तो हमें इसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि इसको माइनस में जाने से रोकेगी ओके तो यहाँ पे सिंपल एक एक्सट्रीम बनानी पड़ेगी हमें इन दोनों की ए और बी की ठीक है यही दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सिंपल एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा फ्लोट एक्सट्रीम equals टू अब जो मेरा जो ए वेरिएबल है उसको भी मैं ए बी एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बी एस आपको पता होगा ए बी एस फंक्शन होता है जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसको पॉजिटिव में करने के लिए एंड यहाँ पे ए दे दूंगा एंड प्लस ए बी एस जो हमारा बी वेरिएबल है उसको भी हम सेम ऐसे ही दे देंगे ठीक है आ, यहाँ पे यह आ गया अभी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है सिंपल इसके नीचे इस वेरिएबल को यूज़ करो एक्सट्रीम वेरिएबल को तो मैं अगेन यहाँ पे एफ़ एट द रेट एम्प एट्रीब्यूट बनाऊँगा अपना और इक्वल्स टू जो हमारा एक्सट्रीम था उसको यूज़ करेंगे सेम ऊपर से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अगर नेम चेंज हुआ तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा मैं पहले बता रहा हूँ एंड यहाँ पर इसको करना है माइनस ओके okay, और एफ़ एट द रेट जो हमारा पहले वाला एम्प था उसके साथ और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसको भी ए बी एस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके ये रहा अब इसको चेक करेंगे तो ये कुछ कुछ फेमिलियर लग रहा है उससे अभी हम इसके यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे अगर मैं यहाँ पे एन को कर दूँ एट और इसको अबाउट मैं सिक्स कर दूँ तो ये देखो अबाउट कुछ कुछ आ रहा है वैसा लेकिन अभी इसमें फ्रीक्वेंसी की कमी है फ्रीक्वेंसी uh, की भी कमी है एंड यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करूँ एज़ ए स्केटर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्कीटर लगाता हूँ और ये ये पैटर्न हमें चाहिए इस तरीके का ठीक है तो मैं स्कीटर लगाया मैंने यहाँ पे और इसको कर दिया मैंने डेंसिटी एट्रीब्यूट एम्प एट्रीब्यूट के थ्रू और यहाँ पे इसको रिलेक्सन को कम कर दिया बिल्कुल एंड अपने पॉइंट्स को बढ़ा लिया अबाउट टेन ठीक है लेकिन ये पैटर्न वो वाला नहीं बना रहा है जैसे इसको बनाना चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पे इसको विजुलाइजेशन में कुछ कुछ दिख रहा है वैसा पैटर्न ये नहीं बना रहा है ठीक है तो यहाँ पे स्कीटर हो गया ये अब इसमें कुछ जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू बनाई थी उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी कुछ हाई वैल्यूज़ के साथ जब जाके वो उसकी नेगेटिव वैल्यू को सही से यूज़ कर पाएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एफ अगेन यूज़ कीजिए अपने इसको एफ़ एट द रेट एम्प ओके एंड इस बार जो है हम इसके एक्सट्रीम जो है इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक पॉइंट नाइन वैल्यू से तो ये नाइन्टी परसेंट तक इनक्रीज uh, डिक्रीज हो जाएगा नाइन्टी परसेंट डिक्रीज़ करेगा उसको एंड अब आप इसको देखेंगे ओके okay, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ लेकिन अभी यहाँ पे इसको तुम्हें रिवर्स करना होगा एम्पलीट्यूट को नेगेटिव में तब जाके आप देखिए यहाँ पे पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है उस एट्रीब्यूट के थ्रू ठीक है एम्प जो एट्रीब्यूट हमने बनाया है उसके थ्रू तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है एंड सेम पैटर्न यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है लेकिन अभी इसको हमें साइज रिसाइज़ करना है उसको कैसे करेंगे हम तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट एट्रीब्यूट एक और बनाता हूँ सॉरी फ्लोट फ्रिक्वेंसी इजिकल्स टू सी एच एफ इसके लिए एक स्लाइडर बना देते हैं ओके अब इसको यूज़ कहाँ पे करना है इसको वैल्यू इसको मैं यहाँ पे दे, दे देता हूँ इसको वन डिफॉल्ट वन होती है एंड अब यहाँ पे क्या करना है इस फ्री या, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई कर दो जहाँ जहाँ पे हमने ये पाई एन एक्स लिखा रखा है मल्टीप्लाई कंट्रोल वी अब सेम सब जगह ऐसे करनी है कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पर भी हर ब्रैकेट के अंदर करना है ये आपको कंट्रोल वी तो ये हो गया यहाँ पे अभी तक कुछ चेंज नहीं दिखाया इसने विजुलाइजेशन में देखो कुछ भी चेंज नहीं दिखाया अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये देखो अब आप इसको स्केल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ये देखिए कुछ इसी तरह का तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको दो और चार कर देता हूँ तो ये ऐसा आ गया यहाँ पे चार बाय टू कर देता हूँ इसको ठीक है अब आप इसको चेंज करके अपने पैटर्न्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं ईजिली ओके तो अब बात करते हैं अपने वॉप के थ्रू कैसे बनाएंगे इसको तो मैं यहाँ पे एक और ग्रिड लेता हूँ ओके एंड इसके भी दे देंगे यहाँ पे 250 फिफ्टी बाय टू फिफ्टी एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वॉप लगाएंगे ओके अब यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है एन वेरिएबल से पी वेरिए पाई से एक्स से और डिवाइड कर रहे हैं फिर उसको एक एल वेरिएबल से यही चल रहा है तो हमें सबसे पहले इसके अंदर जाना है ओके okay, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ इन चीज़ों को ओके okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वेरिएबल्स बनाने हैं जो भी हमारे इक्वेशन में थे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लेता हूँ कांस्टेंट लिया और इसका नाम दे दिया मैंने एल ठीक है इसकी वैल्यू दे दी वन डिफॉल्ट एंड सेम फॉर पाई पाई के लिए इसमें बनाना पड़ेगा इसको नहीं पता वैक्स को पता है लेकिन वॉप को नहीं पता पाई ठीक है इसकी वैल्यू आपको इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे आपने कभी याद हो आपने पढ़ी हो तो 3.14159 ये आई थिंक इतने डेसिमल काफ़ी हैं पाई की वैल्यू के लिए ओके ये हो गया एक वेरिएबल होगा आपका आ, इस इसकी जगह हम इसको यूज़ करते हैं एल को तो यहाँ पे हो गया एन इसकी वैल्यू वन रखनी है एन की भी और एम की भी इसमें एन एम हो गया अब जो एक्स और जेड है हमारा यहाँ पर एक्स uh, और वाई है सॉरी एक्स और वाई तो यहाँ पे एक्स जेड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको चेंज कर देता हूँ जेड और यहाँ पे भी मैं इसको कर दूँगा जेड ओके okay? तो ये दोनों मैंने जेड कर दिए एक्स और जेड सिंपली यहाँ पे आ जाओ अब अब इसको यूज़ कैसे करना है हमें सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी कॉस्ट के साथ तो मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ ओके okay, तो इसमें क्या होता है आपको रेडियंस भी मिल जाएगी देखो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट लेता हूँ यहाँ पे कोश फंक्शक्शन लेता हूँ तो इसमें भी यहाँ पे सिग्नेचर फ्लोट वगैरह रेडियन वगैरह आपको मिलेगी यहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी जो हमने वैक्स में बनाई थी वहाँ पे जाके पहले जो हमने यहाँ पे बनाई थी अलग से फ्रीक्वेंसी ये यह आपको यहीं पर मिल जाती है इसके अंदर तो ये काफ़ी ईजी रहता है तो इसको हटा दो मैं ट्रि 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 ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करूँगा ठीक है सबसे पहले इसकी एक्स और जेड को डिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स रिलेटिव टू बाउंडिंग बॉक्स बनाऊँगा एंड इसमें अभी डिफ़ाइन कर देगा मैं यहाँ पर एक वैक्टर टू फ्लोट लेता हूँ ये रहा तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वैल्यू है मैं एक नल डाल देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको याद रहे क्या है एक्स वैल्यू है और एक यहाँ पर हमारे पास जेड वैल्यू है ठीक है तो हमारे पास जेड भी आ गई Z आ गया X आ गया M आ गया N आ गया पाई भी आ गया L भी आ गया अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सिंपल और कुछ नहीं करना तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाहर जाके इक्वेशन में चेक करता हूँ क्या था तो यहाँ पे है N इंटू पाई इंटू एक्स ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पे जाएंगे मल्टीप्लाई नोट लूंगा और यहाँ पे क्या है एन इंटू पाई इंटू एक्स ये वाला ठीक है ये मल्टीप्लाई हो गया बाहर चेक करेंगे आ, इसकी और इसको मल्टीप्लाई करना है कोस के साथ एंड फिर उसको डिवाइड करना है आपको एल के साथ सिंपली इसके अंदर जाओ और यहाँ पे एक डिवाइड नोट लगाओ डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एल के साथ तो ये हमारी पहली क्वेश्चन रेडी हो गई और इसकी जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देनी है ट्रिग्नोमेटिक के साथ इसमें ध्यान रखिएगा फंक्शन आपका कोर्स होना चाहिए साइन नहीं होना चाहिए ठीक है ये हो गया इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ एक कर्व्स को ओके पहली क्वेश्चन हो गई मेरी उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है हमारी एम इंटू पाई इंटू जेड ठीक है बार बार मैं बाहर जा रहा हूँ ओके तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है एक और मल्टीप्लाई लेनी है या फिर इसी को कॉपी कर लेंगे ठीक है इसी को कॉपी कर लिया एंड इसको हटाया यहाँ से तो m इंटू पाई इंटू क्या था m पाई जेड ठीक है Z का है हमारा रहा, एम पाई जेड हो गया और इसको डिवाइड करना है हमें L के साथ सिम ठीक है ये आ गया L, ये दोनों डिवाइड हो गए अब इसके लिए भी एक और टेक्नोमेट्री लेके आ जाओ यहाँ पे cos के लिए ठीक है ये पूरा फंक्शन रेडी हो गया ये भी रेडी हो गया अब अब क्या करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है एक बार मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने ठीक है ये हो गया आपका एक साइड का ठीक है इस तरफ का आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई अब सेम बनानी है दूसरी वाली इक्वेशन और जस्ट इन दोनों को माइनस करना है ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करना है सिंपल से दोबारा बना लेते हैं मतलब नीचे एक और मल्टीप्लाई लेता हूँ एक और, और यहाँ पे क्या करना है एम पाई एक्स एम पाई एक्स करना है इस बार ठीक है एम uh, पाई और एक्स ये वाला ठीक है मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया इसको एल के साथ ठीक है पहली क्वेश्चन आ गई हमारी और टिक्नोमेट्री भी डाल देते हैं ये ठीक है उसके बाद यहाँ पे एन पाई जेड है एक और मल्टीप्लाई लिया आई थोड़ा सा मैसी हो रहा है लेकिन इजी है काफी फॉलो करने में एन पाई एन जेड ठीक है ये हो गया है यहाँ पे। मल्टीप्लाई सेम डिवाइड करना है अगेन इसको एल के थ्रू डिवाइड करना है ठीक है एंड इसके भी एक और ऑटोग्रोमेट्री लेके आते हैं यहाँ से ये यह हो गई इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे ओके अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करनी है तो सिंपल यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट नोट लो सब्ट्रैक्ट ओके सब्ट्रैक्ट नोड लेके इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दो तो ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इसके बाद अगर आपको इसको कलर फॉर्म में देखना है तो मैं यहाँ सी में इसको देता हूँ यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है एंड नो एंड यहाँ पर एक एक और एट्रीब्यूट ले लो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बाइंड एक्सपोर्ट और यहाँ पे मैं एम्प ले दूंगा अपनी जो मैंने पहले उसमें वैक्स में क्रिएट की थी सेम ठीक है यहाँ पे मैंने एम्प ले ली अब ये इसको ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा सीडी में भी तो मैं बताता हूँ यहाँ पे एन जो है इसको दे दो, दो और एम जो है इसको दे दो चार तो ये देखो इस तरह के ये फॉर्म बना रहा है अभी सी ठीक है अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको एक ए बी एस लगाना है एब्सोल्यूट जैसे मैंने बाहर लगाया था और सेम इसमें भी तो ये देखिए अब बिल्कुल आपका जो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ जो हम जिसके थ्रू फॉलो कर रहे हैं ये देखिए इसमें से एक होगा यही कोई ये देखिए यहाँ पे फोर एन फोर एंड एम टू ठीक है अगर मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है तो एन फाइव और एम वन है ठीक है ऐसे एम वन एन फाइव तो यही इक्वेशन उसमें डाल के देखते हैं तो जो हमारा एन है वो वन सॉरी एन है जो फाइव और एम जो है हमारा वन तो ये देखिए सेम वैसे ही पैटर्न बन के आ रहा है ठीक है अब इसका साइज और इसको आपको और थोड़ा शार्प करना है लाइंस को तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे एक फ्लोट लगाइए सॉरी आप यहाँ पे एक फिट फंक्शन लगाइए फिट रेंज ओके इसी में से यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ सी में अविष्ट अनुष्ट के थ्रू आप ये देखिए इसको और डार्क कर सकते हैं या इसको और थोड़ा सा एक्यूरेट कर सकते हैं जो चीज़ हम वहाँ पे एक्सट्रीम के थ्रू कर रहे थे ठीक है वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं तो इस तरीके से आप दोनों ही पैटर्न्स बना सकते हैं बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं आप इसको अगर कलर के थ्रू देखना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल एक नीचे एक लाइन ऐड कर दीजिए एट द रेट सी डी इजिकल्स टू एफ एट द रेट ए एम पी तो आपका ये भी एक कलर के थ्रू दिख जाएगी ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही पैटर्न बनाना ही सिखाया है मैंने आपको एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको वेनर्सडे के आसपास आ जाएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसको आर में कैसे यूज़ करते हैं उसकी पैटर्न को कैसे क्रिएट करता है आर इस इस पैटर्न की मदद से ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग